नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहितेश ना आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी में जो आप टॉपिक पढ़ रहे थे वो थे भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में दोस्तों हमने जो मरुस्थल का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था, यानी मरुस्थल का जो पार्ट था वो हमने एक भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लिया था। आज दोस्तों जो जिसमें हम पढ़ेंगे वो है अरावली, यानी जो हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, उसके अंदर पढ़ेंगे अरावली। पर उससे पहले दोस्तों हमने जो बालू का स्तूप थे उनके प्रकार नहीं देखे थे, तो बालू का स्तूप के प्रकार देख लेते हैं, और उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के बारे में दोस्तों बता चुका हूँ कि ये प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी। इसके अलावा ये प्रोटोरोजोइक, प्री कैम्ब्रियन का एक पार्ट है दोस्तों प्रोटोरोजोइक, उसके अंदर अरावली का विस्तार हुआ था, और अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। तो पहले शुरू करते हैं दोस्तों बालुका स्तूपों के प्रकार। तो कौन सा पॉइंट है बालुका स्तूप? सबसे पहला प्रकार है वो है दोस्तों बरखान। ये नाम है दोस्तों, और इनको इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये याद रखने होते हैं। ये पूछा जाता है कि बरखान क्या है, तो बरखान है वो है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये कौन से हैं? बरखान। अब दोस्तों ये सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, और सबसे ज्यादा गतिशील हैं तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी यही होते हैं। सबसे ज्यादा नुकसानदायक, सर्वाधिक नुकसानदायक है दोस्तों ये किस प्रकार के होते हैं? तो कुछ इस प्रकार के ये हमें दिखाई देते हैं, अर्धचंद्राकार रूप में ये दिखाई देते हैं। ये हुआ बरखान। दूसरा है दोस्तों वो है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों का प्रकार है दोस्तों अनुदैर्ध्य। उसमें क्या होता है कि जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है ये हवा के समांतर होते हैं, हवा के समांतर होते हैं अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है वो। इसके साथ में कुछ इनके इनके भाग हैं अनुदैर्ध्य के, वो हैं सीप, इसके अलावा रेखीय, और तीसरा है दोस्तों वो है पवनवर्ती, यानी पवन की दिशा में, और दोस्तों समांतर है तो पवन की दिशा में ही ये बनेंगे। अनुदैर्ध्य के बाद में दोस्तों जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है अनुप्रस्थ, और दोस्तों ये विज्ञान के टर्म से लिया गया है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। जो हवा के समांतर हैं वो अनुदैर्ध्य, और जो हवा के लंबवत हैं, हवा के लंबवत ये है अनुप्रस्थ। इसके अलावा बालू का स्तूपों का एक प्रकार आता है, वो आता है पैराबोलिक, पैराबोलिक। और जो पैराबोलिक है दोस्तों ये किस प्रकार का बालू का स्तूप है? तो ये पाया जाता है पेड़ों के सहारे, पेड़ों के सहारे सहारे ये बालू का स्तूप हमें मिलता है पैराबोलिक। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और आता है जिसका नाम है शुभ्र काफिस। दोस्तों ये नामों से ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि शुभ्र काफिस क्या है। अब उसमें दे देंगे कुछ भी उठा के, तो वो बालू का स्तूप का प्रकार होना चाहिए। और ये जो झाड़ियां होती है रेगिस्तान में दोस्तों, झाड़ियां अधिकतर पाई जाती है, झाड़ियों के सहारे जो बालू का स्तूप मिलते हैं वो है शुभ्र काफिस। और एक आता है तारा, तारा। इसके अलावा दोस्तों एक आता है नेटवर्क। जो नेटवर्क बालू का स्तूप है ये मिला हुआ होता है, यानी बालू का स्तूपों के कुछ चुनिंदा बालू का स्तूप एक साथ मिले हुए होते हैं, उसको नेटवर्क बालू का स्तूप होता है। और जो तारा होता है ये दोस्तों तारों की आकृति होती है, उसके अनुसार पाया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा बालू का स्तूप, और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों अरावली। और बालू के स्तूपों के बारे में हमने सात प्रकार देखे हैं बालू के स्तूपों के, और अब शुरू करते हैं दोस्तों जो अरावली हमें शुरू करना है, जो भौतिक प्रदेश है हमारा दूसरा उसके बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों अरावली, हमारा दूसरा जो भौतिक प्रदेश है अरावली वो शुरू कर रहे हैं, अरावली पर्वतमाला। और दोस्तों अरावली पर्वतमाला के बारे में हमें सबसे पहले जैसे हमने जैसे रेगिस्तान में देखा था उसका बेसिक, तो उसी प्रकार अरावली पर्वतमाला के बारे में देखा। दोस्तों सबसे पहले यह है वलित पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला। अब दोस्तों जब ये बनी थी तब ये वलित पर्वतमाला थी, यानी वलन क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ था सबसे पहली चीज तो ये। इसके अलावा ये कब बनी? तो ये कब बनी ये हम दोस्तों जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हमारा जो पहला पार्ट था उसमें दोस्तों ये हमने इसीलिए पढ़ा था। तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में दोस्तों जो प्रोटोजोइक जो कालखंड था उसके अंदर ये बनी थी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ अरावली पर्वतमाला के बारे में। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला
ठीक है दोस्तों, तीन चीज हुई। इसके साथ में दोस्तों जो अरावली है उसके समकालीन कुछ पहाड़ियां मिलती है, जैसे अपलेसियन पर्वत। अपलेसियन ये कहाँ का है? तो ये दोस्तों यूएसए में है, और ये अरावली के समकालीन था, यानी जब अरावली बन रही थी उस समय ये भी बन रहा था। तीसरी चीज दोस्तों, अभी जो इसका स्वरूप दिखता है वो दिखता है अवशिष्ट। अवशिष्ट यानी अरावली पर्वतमाला कैसी है? अवशिष्ट, अभी वर्तमान की बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले बनी तब वलित थी, यानी वलन क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ। अभी क्या है? अवशिष्ट। पहले दोस्तों अवशिष्ट का मतलब समझिए दोस्तों। अवशिष्ट का मतलब है कि वायु जल द्वारा जो अरावली है उसका टूटना। तो अवशिष्ट का मतलब होता है टूटना, यानी अरावली जल वायु इसकी क्रिया के द्वारा टूट फूट हुई है, इसलिए इसको अवशिष्ट कहा गया। ठीक है, तो अवशिष्ट। अब इनका दोनों का जैसे निचोड़ निकाला जाए तो अरावली पर्वतमाला के बारे में क्या बोला जाएगा? तो सबसे प्राचीन है, तो प्राचीनतम, पहली चीज तो प्राचीनतम। दूसरा इसके साथ में क्या जुड़ेगा? वलित। ठीक है दोस्तों, तीसरा इसके साथ में अवशिष्ट जुड़ गया और पर्वतमाला ये है। तो ये इसका सबसे बड़ा जो नाम मिलता है या नाम होगा अब, वो यही होगा, प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला। अब दोस्तों क्वेश्चन में जो ऑप्शन होंगे उससे ये सेट होगा कि अरावली पर्वतमाला कैसी है। तो अगर वलित दिया होगा तो वलित, और वर्तमान दिखा लिखा हुआ है तो अवशिष्ट पर्वतमाला है अरावली। इसके प्रमाण भी देख सकते हैं, जब अरावली बनी थी तब 2800 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई थी, अभी वर्तमान में इसकी 930-40 ऐसी औसत ऊंचाई मिलती है। अरावली के बारे में ये हुआ। इसके साथ में दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का भाग थी, तो हमने देखा ही था दोस्तों कि गोंडवाना लैंड जो भारतीय उपमहाद्वीप की पट्टी है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। हमने जो दोस्तों पूरी पृथ्वी में जो विस्थापन था, जो प्लेटें खिसक रही थी, उसके बारे में हम जान चुके हैं, तो वो भी दोस्तों देखिएगा। ये हुआ अरावली के बारे में जो हमें मिलता है वो। अब चलते हैं कि अरावली का उद्गम कहाँ से हुआ, क्या ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान में ही है या और कहीं भी विस्तृत है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पहले मैं भारत का नक्शा बनाना चाहता हूँ, जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं। ये नीचे का पोर्शन ही है, ज़्यादा बड़ा इसमें हमें जानना नहीं है, उसके अलावा ऊपर में राजस्थान में हम देख ही लेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे द्वीप मिलता है जिसका नाम है मिनी कोई द्वीप। मिनी कोई द्वीप, यहाँ पे दोस्तों ये माना जाता है कि अरावली जो है वो यहाँ से शुरू होती है, और जो हमें पहाड़ी यानी पर्वत के रूप में दिखती है वो हमें पालनपुर गुजरात से ये दिखती है। कहाँ से दिखती है? पालनपुर से, यानी अंदर यहाँ तो समुंदर है, अरब सागर यहाँ पर है दोस्तों, और अरब सागर के अंदर ये हमें पर्वतमाला दिखती नहीं है, पालनपुर से इसका उद्गम हमें दिखता है। तो पालनपुर से ये कहाँ तक है? दिल्ली तक। दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ियाँ हैं, रायसीना पहाड़ी, वहां तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार हमें प्राप्त होता है। अब पालनपुर से अरावली पर्वतमाला जब दिल्ली तक है तो उसकी लंबाई है दोस्तों 692 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये पूरे भारत के लिए जो लंबाई है वो, अभी हम राजस्थान को अलग करके पढ़ेंगे। इसके अलावा ये माना जाता है कि जो अरब सागर है वो अरावली का जनक है, यानी अरब सागर के अंदर ही मिनी कोई द्वीप है, तो वहां से ही ये मानी जाती है। और कहाँ तक है? दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक। अब इसका देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका फैलाव है, यानी विस्तार। विस्तार तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये कहाँ से दिखना शुरू होती है? गुजरात से। गुजरात, गुजरात के बाद में ये एंटर होती है राजस्थान में। राजस्थान में साथ में दोस्तों ये हमें दिखती है हरियाणा में। हरियाणा में, और एक हमें देखना है वो दिल्ली। दिल्ली दोस्तों, ये तो हो गए तीन राज्य। दिल्ली है हमारा यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में दोस्तों दिल्ली है वो इसका पार्ट है। तो दिल्ली, तो तीन तो राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में ये फैली हुई है, भारत के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। कुछ कुछ इसकी पहाड़ियाँ पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है, जैसे हम दोस्तों 56 की जो पहाड़ियाँ पढ़ते हैं वो राजस्थान में जिस प्रकार विस्तार है, कुछ पहाड़ियाँ हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है, पर ये भारत का विस्तार है। अब दोस्तों ये तो हुआ भारत के लिए, अब देखते हैं हम राजस्थान के लिए। तो राजस्थान के लिए पहले मैप ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में दोस्तों ये हम देखते हैं। कुछ गलत बन गया दोस्तों आज मैप। ये हमें सिरोही से दिखती है और इस प्रकार इसका कुछ विस्तार है। इधर दोस्तों हमने मरुस्थल पढ़ ही लिया था। ठीक है दोस्तों, ये कुछ हमें विस्तार देखने को मिलता है। एक बार मैं पुनः मैप बना देता हूँ,
कि वो गड़बड़ा गया था मेरा हमारा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिरोही पड़ता है और इस प्रकार कुछ इसका विस्तार है। इसमें दोस्तों कुछ आंशिक विस्तार भी मिलता है कुछ जिलों में, और कुछ में इसका संपूर्ण विस्तार भी मिलता है। तो ये हमारी हुई अरावली। ये केवल हम राजस्थान के लिए देख रहे हैं, दिल्ली तक हमने जो विस्तार था पालनपुर से दिल्ली तक वो हम देख चुके हैं। दोस्तों राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। और दोस्तों राजस्थान में इसका जो परसेंटेज है कि पूरे भारत को लेके, तो 80% इसका जो विस्तार है वो राजस्थान में। अब ये शुरू कहाँ से होती है? तो ये होती है आबू रोड, ये पड़ता है सिरोही। यहां से शुरू होकर अरावली यहां पर है वो है डोंसी की पहाड़ी, जो पड़ता है ना झुंझुनू, सॉरी दोस्तों खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है, तो वहां तक खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार, डोसी, डोसी की पहाड़ी, आबू रोड से डोसी तक ये हमें मिल रही। अब दोस्तों जो आंशिक इसका विस्तार है वो देख लेते हैं, साथ में इसका पूर्णतः विस्तार है वो देख लेते। अलवर जिला, इसके साथ में दौसा, फिर दोस्तों आते हैं हम जयपुर, फिर अजमेर, अजमेर से चलते हैं हम राजसमंद, उदयपुर, अंत में आते हैं सिरोही। ये तो कुछ जिले हैं जहां पर इसका विस्तार पूर्णतः मिलता है, परंतु और भी इसमें जिले शामिल होते हैं, कुछ कुल 13 इसमें जिले शामिल होते हैं। टोटल कितने जिले हैं? 13। देखने को दोस्तों आप जोधपुर में देखोगे तो मरुस्थल भी है, अरावली का विस्तार ही, जैसे दोस्तों हम पंचेटिया पहाड़ी जिसको चिड़िया टूप पहाड़ी कहा जाता है, उस पर ही मेहरानगढ़ बना हुआ है, तो वो भी पहाड़ी किसकी है? अरावली पर्वतमाला का विभाग है। इसके अलावा जैसलमेर, जैसलमेर में त्रिकूट पर्वत है, वहां पर जैसलमेर का किला बना हुआ है, वो भी अरावली पर्वतमाला का ही वो भाग है। इसके साथ में दोस्तों हम देखते हैं जैसे अलवर, अलवर में पहाड़ी मिलती है, अलवर का तो दोस्तों यहाँ पर जिक्र भी हो रखा है। साथ में दोस्तों हम सिरोही में तो इसको देख ही रहे हैं, जालौर में देख लेते हैं, बाड़मेर में देख लेते हैं, कुल मिलाकर इसका विस्तार और भी अन्य जिलों में है। तो आंशिक रूप से इसका विस्तार 13 जिलों में, और पूर्णतः ये जो 7 जिले हैं उसमें इसका विस्तार मिलता है, आबू रोड से डोसी की पहाड़ी झुंझुनू में इसका विस्तार। अब चलते हैं दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है वो कितना है? तो दोस्तों इसका जो एरिया पड़ता है वो राजस्थान के लिए है वो है 9%। तो दोस्तों हम भौतिक प्रदेश देखते हैं उसमें, और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट निवास करती है? तो वो निवास करती है 10%। तो ये हुआ इसके बारे में, अरावली के बारे में। इसके अलावा इसकी जो दिशा है वो कैसी है? इसकी दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व तक, उत्तर पूर्व, ये है इसकी दिशा। और साथ में दोस्तों कुछ फैक्ट हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान रखने योग्य हैं, कि इसकी औसत ऊंचाई, सबसे पहले इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और दोस्तों ये ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे घटती है। दोस्तों मध्य में तो इसका बहुत, जो मानवीय क्रियाएं हैं उसके अंदर इसका बहुत कटाव हो चुका है, यानी लोगों ने इसको काट दिया है। दक्षिण में बहुत ज्यादा विस्तार है, उत्तर में और कम होते जा रहा है। साथ में दोस्तों कुछ फैक्ट और, कि सर्वाधिक इसकी ऊंचाई, ऊंचाई से रिलेटेड ही है दोस्तों, सर्वाधिक इसकी ऊंचाई है वो है सिरोही में, सबसे कम तो वो है अजमेर, अजमेर जो जिला है वहां पे इसकी सबसे कम ऊंचाई है। अब दोस्तों इसके अलावा इसका सर्वाधिक विस्तार वो है उदयपुर में, सबसे कम विस्तार की बात है, सबसे कम विस्तार ये फिर से आता है हमारा अजमेर। और एक और अजमेर के लिए आती है, वो आती है सर्वाधिक कटी फटी, जो कटी फटी है अरावली वो कहाँ है?
ये भी है अजमेर। और दोस्तों अजमेर में इसका कटाव होने के कारण जो हमारा रेगिस्तान मार्च था, जो मैंने बताया था दोस्तों रेगिस्तान का प्रसार होना, वो अजमेर में कटी-पटी होने के कारण इसका विस्तार अधिकतर इसी ओर से हो रहा है। दोस्तों अभी हम इसका उप विभाजन पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा कि अजमेर किस प्रकार के अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में आता है। और दोस्तों अरावली की कुछ और जानकारी, इसमें हमने देखा था कि शुष्क मरुस्थल में 0 से 25, तो शुष्क मरुस्थल और 25 से 50, यहाँ पर दोस्तों 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। तो अरावली शुरू होती है वहां से, क्या होती है 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। ठीक है दोस्तों, ये हुआ अरावली के बारे में जो हमारा बेसिक बेसिक है वो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ खेती की जाती है, क्योंकि दोस्तों जो इसका दक्षिणी भाग है वहाँ पर जनजाति निवास करती है, तो वालरा ये उनकी खेती के प्रकार हैं, चीमाता, दजिया ये उनके खेती के प्रकार है दोस्तों, जो ट्राइबल यहाँ पर रहती है उनके बारे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा अरावली का जो बेसिक था वो। अब दोस्तों देखते हैं हम इसका उपविभाजन, उसकी कुछ पहाड़ियाँ, कुछ इसके अंदर जो पठार पाए जाते हैं वो। एक दोस्तों यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो है लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखनी होगी बात है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, शुरू करते हैं अरावली का उपविभाजन। क्या पढ़ना है हमें? उपविभाजन। ठीक है दोस्तों, अरावली का उपविभाजन हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले वापस मैप ड्रॉ करते हैं और उसके बाद में हम अरावली का जो उपविभाजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमने यहाँ पढ़ा था ढोसी की पहाड़ी, खेतड़ी झुंझुनू में पड़ती है वो, ये हुआ झुंझुनू नंबर 1। ढोसी से लेके यहाँ पे पड़ता है सांबर, सांबर ये कहाँ पर है? जयपुर में। दोस्तों वैसे तो ये सीमाओं पे पड़ता है परंतु जयपुर को ही इसकी कमान दे रखी है, तो जयपुर। सांबर से दोस्तों यहाँ पे पड़ता है देवगढ़। ठीक है दोस्तों, और यहां पर हमने देखा था अबरोड, सिरोही नंबर 1। अब दोस्तों जो ढोसी से लेके सांबर तक का जो भाग है उसको कहा जाता है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। जो देवगढ़ से लेके, सॉरी दोस्तों, जो सांबर से लेके देवगढ़ तक है उसको कहा जाता है मध्य अरावली। और दोस्तों जो ये देवगढ़ से लेके आबू रोड तक का विस्तार है उसको कहा जाता है, वो कहा जाता है दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं सबसे पहले उत्तरी अरावली, और उत्तरी अरावली में जो बड़ी बड़ी या फिर जो पहाड़ियां पाई जाती है वो, इसके अलावा इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो उत्तरी अरावली में जो जिले आते हैं वो आते हैं अलवर, इसमें दोस्तों मैं आंशिक जो मिलते हैं उनको भी ले रहा हूँ, अलवर के बाद में जयपुर, यहाँ पर आता है दौसा, ये तीन तो हमने वहां पे देखे थे। इसके अलावा सीकर और झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, ये हुए उत्तरी अरावली के जिले। अब दोस्तों यहाँ पर जो पहाड़ियां पाई जाती है उनको देखते हैं, और सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ कहाँ पाई जाती है? तो यह है सीकर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हुई रघुनाथगढ़ की ऊंचाई। दूसरी जो यहाँ की पहाड़ी है वो है मालखेत, मालखेत, और ये भी कहाँ है? ये भी है सीकर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 1052 मीटर। दोस्तों हमें अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा कि अरावली की, यानी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो वो रघुनाथगढ़, या ऊंची पहाड़ी कौन सी है तो रघुनाथगढ़, दूसरी कौन सी है तो मालखेत, उसके बाद में आती है लोहारगढ़, ये है झुंझुनू की, और ये है 1051 मीटर। फिर आती है भेजागढ़, ये भी है झुंझुनू की, और ये है 997 मीटर। और फिर आती है खो, ये पड़ती है हमारे जयपुर की, 5 पहाड़ियाँ बड़ी है और इसकी है 920 मीटर। ये कुछ पहाड़ियां हैं और उनकी ऊंचाई है। दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट पहाड़ी है मालखेत, उसके बारे में पढ़ना है हमें मालखेत, क्योंकि इस पे एक मंदिर बना हुआ है, जो फेमस मंदिर है वो है जीण माता का मंदिर सीकर में। दोस्तों रेवासा गांव में जीण माता का मंदिर, और वो कौन सी पहाड़ी पे, सीकर, मालखेत की पहाड़ी। वो इसके अलावा हर्षनाथ मंदिर, ये दो बड़े मंदिर बने। हर्षनाथ कौन है, ये चौहानों के कुल देवता है। साथ में दोस्तों जो जीण माता है वो शेखावाटी के जो चौहान थे उनकी कुल देवी है। और दोस्तों ये राजस्थान में यहाँ पर पवन ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं, ये जो हर्षनाथ की पहाड़ी है वहां पर। दोस्तों जो मालखेत की पहाड़ी है वहां पर हर्षनाथ का एक मंदिर है, वो उस पहाड़ी को हर्षनाथ पहाड़ी भी कह दिया जाता है। और दोस्तों वहां पर पवन ऊर्जा के संयंत्र लगे हैं, जो हर्षनाथ का मंदिर है वो ऊपर और जीण माता का जो मंदिर है वो नीचे की ओर बना हुआ है। यहाँ पर राजस्थान के पहले फर्स्ट जो पैराग्लाइडिंग सेंटर है वो यहीं पे बने हुए। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा उत्तरी अरावली का जो पोर्शन है वो। अब दोस्तों इसके अलावा उत्तरी अरावली में कुछ और पहाड़ियां पाई जाती है, जैसे भेरास, बिब्बासी और सरिस्का, ये अलवर की कुछ पहाड़ियां हैं। इसके अलावा रघुनाथपुरा, मनोहरपुरा और बेराट, ये जयपुर की है, और बबई, ये झुंझुनू की पहाड़ी है। दोस्तों बबई के बारे में तो पूछा भी गया है कि बबई कहाँ की और किस अरावली का भाग है और कौन से जिले में इसका विस्तार है, तो ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। उत्तरी अरावली को हमने पढ़ लिया। साथ में दोस्तों पढ़ते हैं हम मध्य अरावली। मध्य अरावली में जो दोस्तों जिले हैं वो है अजमेर, अजमेर को हमें ज्यादा पढ़ना है। इसके अलावा इसके अंदर नागौर आ जाएगा, भीलवाड़ आ जाएगा, ये सब कुछ दोस्तों मध्य अरावली में आते हैं। परंतु दोस्तों हमें अजमेर के बारे में पढ़ना है। अजमेर में दोस्तों हम पहले देख चुके हैं सर्वाधिक कटिपटी है, सबसे कम विस्तार है, ये सब कुछ हम पहले देख चुके हैं। अरावली जो मध्य अरावली है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है सांबर से लेके देवगढ़ तक। ठीक है दोस्तों, अजमेर में इसके जो पहाड़ियाँ मिलती है वो मिलती है मोराई जी, या उसको मोराम जी भी कहा जाता है, तारागढ़, ये केवल अजमेर ही है दोस्तों, और नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी से दोस्तों एक नदी भी निकलती है जो बाद में लूणी का विस्तृत रूप कहलाती है। तारागढ़ पे हमारा जो दुर्ग है अजमेर दुर्ग, जिसका नाम तारागढ़ बाद में पृथ्वीराज, जो उड़ना पृथ्वीराज था, या पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको कहा जाता है, मेवाड़ के राजकुमार थे, उन्होंने इसका नाम अपनी पत्नी के नाम पे रखा था। और मोराम जी, जो मोराम जी है उसकी है 934 मीटर की ऊंचाई। साथ में दोस्तों जो तारागढ़ है वो 870 मीटर की ऊंचाई पे है, और जो नाग पहाड़ी है वो 795 मीटर की ऊंचाई। परंतु दोस्तों जो मध्य अरावली है उसके कटी-फटी होने का कुछ फायदा इस प्रकार है कि यहाँ से जो हमारा यातायात है वो सुचारू रूप से चल सकता है। इसमें कुछ दर्रे बने हुए हैं, तो वो कौन कौन से दर्रे हैं, एक दर्रा है उसका नाम है बड़दर्रा, जो जोधपुर से दोस्तों जयपुर जाने के लिए यूज होता है वो बड़दर्रा ही होता है। इसके अलावा परवेरिया, परवेरिया, श्योपुर, सुरावाट, ये सब कुछ जो दर्रे हैं वो हमें मध्य अरावली के मध्य ही पाए जाते हैं या है। ठीक है दोस्तों, ये तो हैं दर्रे और पहाड़ियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम दक्षिण अरावली, और दक्षिण अरावली में जो जिले हैं वो हैं सिरोही, सबसे ज़्यादा सिरोही को पढ़ना है क्योंकि दोस्तों अधिकतर पहाड़ियाँ यहीं मिली। सिरोही के बाद में यहाँ पर है उदयपुर और राजसमंद, में तीन जिले यहाँ पर है। अब दोस्तों जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं वो पूरी अरावली की सबसे बड़ी बड़ी पहाड़ी। दोस्तों मध्य अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी मोराम जी है, उत्तरी अरावली की है वो है रघुनाथगढ़, परंतु दक्षिण अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण में तो है जो है अरावली की भी सबसे बड़ी बड़ी पहाड़ी है। तो सबसे पहले पहाड़ी आती है वो आती है गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है
वो है 727 मीटर। अब दोस्तों जो 727 मीटर है या इसकी एक ऊंचाई मिलती है 722 मीटर भी, तो इसमें क्या कन्फ्यूजन है? तो दोस्तों 722 मीटर इसकी ऊंचाई है और 5 जो मीटर है उसका एक मंदिर बना हुआ ऊपर, इसलिए इसकी ऊंचाई है वो 722 या 27 मीटर भी बताई जाती है। गुरु शिखर के बाद में आती है शेर। शेर की जो ऊंचाई है वो है 557 मीटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आती है दिलवाड़ा और इसकी है वो है 442 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये तीन तो ही इसकी जो ऊंची ऊंची पहाड़ी है, और जो है कहाँ पर? सिरोही। तो ये कहाँ की है? एक इसमें बीच में आती है जरगा, और जरगा की पहाड़ी है वो है उदयपुर में, ठीक है दोस्तों। और इसकी 1431 मीटर की ऊंचाई पड़ती है। इसके अलावा कुछ पहाड़ियां हैं जैसे अचलगढ़ हुई, कुंबलगढ़ हुई, ये दोस्तों हमें मिलती है सिरोही में। अब दोस्तों देखिए, गुरु शिखर 727, शेर 557, दिलवाड़ा 442, जरगा 1431, 400 नहीं 1442 है और 1431 है जरगा। उसके बाद में दोस्तों ये रघुनाथगढ़, मालखेत, ये पहाड़ियाँ जाएगी, फिर आएगी ये, तो सबसे ऊंची इधर वाली दक्षिण अरावली वाली, फिर ये, यानी सबसे कटा फटा ये है, इस कारण इसकी ऊंचाई भी कम है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा अरावली का उपविभाजन है वो, इसमें जो दर्रे हैं वो मध्य अरावली के अंदर है, दक्षिण अरावली में ऊंची ऊंची पहाड़ी है और यहाँ पर कम ऊंची है, परंतु मध्य अरावली से ज्यादा ऊंची यहाँ पर पहाड़ी है। अब दोस्तों जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो पठार पाए जाते हैं और जो पहाड़ी हैं जो हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी है, उसमें कुछ 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 पहाड़ियाँ पढ़ी है हमने दोस्तों, उससे आगे हमें जो पढ़ना है कि कौन कौन सी पहाड़ी पर कौन कौन सा दुर्ग बना हुआ है, ये सब कुछ हम इसमें देख लेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं जो जिलों वाइज हमें पहाड़ी मिलती है अरावली की, जिले वह पहाड़ी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो जिला लेते हैं वो पश्चिम से शुरू कर लेते हैं, जैसलमेर। जैसलमेर जो अरावली की जो हमें पहाड़ी मिलती है वो मिलती है त्रिकूट, त्रिकूट पहाड़ी, ठीक है दोस्तों। क्या फेमस है? जैसलमेर का जो दुर्ग है वो इसी पे बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, पहली चीज तो ये। अब दोस्तों त्रिकूट से ही त्रिकूट एक पहाड़ी और है, यह है करौली में, और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है वो है केला माता या केला देवी का मंदिर, ठीक है दोस्तों। साथ में दोस्तों हम देखते हैं पाली। पाली में जो हमें पहाड़ियाँ देखने में मिलेगी वो मिलेगी नानी की पहाड़ियाँ, सारण की पहाड़ियाँ और सेदड़ा की पहाड़ियाँ। क्या इंपॉर्टेंट है? सेदड़ा की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है सांप की फन के समान किसकी पहाड़ी है, ये कौन सी पहाड़ियां हैं? ये हमारी पाली की पहाड़ियां हैं, सेदरा की पहाड़ी। इसके अलावा अलवर, अलवर में जो हमें पहाड़ियां मिलेगी उदयनाथ की पहाड़ियां, इसके अलावा सरिस्का, ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारा जालौर। जालौर में हमें दोस्तों हमें जो देखने को मिलती है वो सुंदा माता की पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है? सुंदा माता का मंदिर, ठीक है दोस्तों, सुंदा माता की पहाड़ी। इसके अलावा ईसराना और सबसे इम्पोर्टेंट जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जो हमें वहाँ कहाँ मिलती है? जालौर में, जोधपुर। क्या है दोस्तों? चिड़िया टूप पहाड़ी और एक पहाड़ी वो है मंसूरिया, जहाँ पर क्या बना हुआ है? बाबा रामदेव का मंदिर। चिड़िया टोप पर क्या बना हुआ है? जो हमारा जोधपुर का मेहरानगढ़ है वो। साथ में चलते हैं बाड़मेर। बाड़मेर में क्या है? 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ी दोस्तों, 56 का मैदान, 56 का मैदान दोस्तों, माही का जो माही नदी है उसका जो बहाव क्षेत्र है वो 56 का मैदान है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, जबकि जो 56 की पहाड़ी है वो जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है दोस्तों। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है हल्देश्वर। हल्देश्वर क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं राजस्थान का मिनी माउंट, राजस्थान का मिनी माउंट, यानी माउंट आबू तो हमारे पास है ही, हमने मिनी माउंट और बना दिया है हल्देश्वर। इसके अलावा नाकोड़ा भैरव, ये बाड़मेर में 56 की पहाड़ियों पर ही है, नाकोड़ा भैरव, ठीक है दोस्तों। बाड़मेर हुआ,
साथ में दोस्तों सिरोही, सिरोही में तो प्रॉपर एक नाम भी दिया जाता है अरावली के लिए, वो दिया जाता है भाकर, तो भाकर की पहाड़ियाँ। इसके अलावा दोसा, दोसा में इसको कहा जाता है भामती, भामती की पहाड़ियाँ। फिर आता है हमारा जिला राजसमंद, सबसे पहले दिवेर, खमनोर और पिजराल, तीनों ही पहाड़ियाँ इम्पोर्टेंट है। हम दोस्तों जब नदियाँ पढ़ेंगे तब इसमें से खूब सारी नदियाँ निकलती हैं, वो देखेंगे। उदयपुर, गिरवा की पहाड़ियाँ, और इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, ये इम्पोर्टेंट। दोस्तों सेदरा की पहाड़ियाँ हैं, उसी प्रकार ये इम्पोर्टेंट है। फिर दोस्तों हम झुंझुनू भी देखते हैं, वो डोसी की पहाड़ी हम देख चुके हैं, खेतड़ी की पहाड़ी हम देख चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों सीकर में मालखेत, डाबला, नीम का ताना, खंडेला, इस प्रकार की यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये तो हुई दोस्तों जो हमारी अरावली की पहाड़ी है वो। इसके अलावा अरावली में कुछ पठार हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बने हुए हैं और पठारों को जानना भी जरूरी है। पठार, तो सबसे पहले यहाँ पर जो पठार शुरू करने जा रहे हैं वो है उड़िया का पठार। कहाँ पर है, तो दोस्तों है ये सिरोही में। इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है, राजस्थान का सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, एक तो हुआ उड़िया, दूसरा जो हमारा पठार है वो है आबू का पठार, और आबू का पठार है वो भी कहाँ पर है, सिरोही में। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचा पठार दोस्तों यहाँ पर बड़ा नहीं था, ऊंचा लिखा था मैंने। तीसरा आता है वो आता है हमारा बोराड का पठार, कहाँ पर है, ये है उदयपुर में, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो विस्तार है वो कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा तक इसका विस्तार है। चौथा आता है वो हमारा आता है लसाड़िया का पठार, और लसाड़िया का पठार है वो भी हमें मिलता है उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, पांचों हमें देखना है वो देखना है मेसा का पठार। और जो मेसा का पठार है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो मेसा के पठार पे ही बना हुआ है। एक आता है हमारा काकनवाड़ी का पठार, और काकनवाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, अलवर में। ठीक है दोस्तों, और एक आता है वो आता है हमारा, ये अलवर में है दोस्तों, चित्तौड़ में। एक आता है हमारा ऊपरमाल का पठार, और ऊपरमाल का पठार है उसका विस्तार है बिजोलिया से लेके भेस रोडगढ़ तक। ये हुए हमारे दोस्तों जो हमारे सात पठार हैं उनके बारे में, इसके अलावा जो हमारी पहाड़ियाँ थी उनके बारे में, और इस प्रकार हमारा अरावली जो भूभाग था या जो हमारा भौतिक प्रदेश था वो समाप्त। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं, जो हमारे मैदान थे उनको कंप्लीट करेंगे और जो हमारे पठार थे उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर सेवन को सब्सक्राइब करें।